नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले यूपी टेट 2019 का एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुका है और पेपर 22 दिसंबर को है दोस्तों, तो ऐसे में आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर आपको सबसे पहला ये ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा यूपी टेट एडमिट कार्ड। आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको नीचे भी ऑप्शन मिल जाएगा यूपी टेट एडमिट कार्ड का, देख सकते हैं। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यूपी टेट की वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को एक ओटीपी मांगा जा रहा है। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा ओटीपी इंटर करें, कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप इस पेज पर चले आएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा यूपी टेट एडमिट कार्ड का, तो आप इस पर को सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिट कार्ड लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। लॉगिन के पेज पर आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना देना है और अपना जो है एक वन टाइम पासवर्ड देना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन सा वन टाइम पासवर्ड आपको इंटर करना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का सबसे पहले इंटरफेस, उसके बाद आएगा यहाँ से आपको सारी एक्टिविटी मिल जाएगी। एक्टिविटी का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन देख रहा है प्रिंट यूपी टेट एडमिट कार्ड, तो इस पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है। इसके सामने जो है अब इसके बाद जो है आपको जो है यूपी टेट के देख सकते हैं लॉगिन पेज पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए अब लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेटा रजिस्ट्रेशन नंबर वन टाइम पासवर्ड इंटर करना है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेना है और देख सकते हैं यही है वन टाइम पासवर्ड यूज फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट। फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट के लिए जो ओटीपी लगा था दोस्तों वो आपको इंटर करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहां पर कोई ओटीपी इंटर नहीं करना है। यहां पर जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन आप किए थे, जो फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उस समय आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया था। वो ओटीपी जब आपने इंटर किया था तो आपको एक न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आया था, तो आपने एक न्यू पासवर्ड जनरेट किया, तो वही पासवर्ड आपको इंटर करना है और कैप्चा इंटर के लॉगिन यहाँ पर जो है लॉगिन करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पासवर्ड याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका रीसेंड आर फारगेट वन टाइम पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या वन टाइम पासवर्ड या पासवर्ड याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कुछ भी याद नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, अपना नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे और कैप्चा इंटर करके सबमिट करेंगे, तो आपके ईमेल पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है एक वन टाइम पासवर्ड भेज दिया जाएगा दोस्तों। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड की सहायता से आप फिर से जो है लॉगिन करेंगे। आकर यहाँ पर जो है लॉगिन जैसे करेंगे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा और आप न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ कैसे एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल प्रोसेस है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो है पासवर्ड इंटर करके जो है लॉगिन कर देना है दोस्तों। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो मैंने तरीका बता दिया है, आप आसानी से यहाँ पर जो है क्लिक करके अपना जो है पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। तो चलिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर कर लिया है, कैप्चा भी इंटर कर लिया है। अब मैं लॉगिन करके आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होगी जो आपने पहले फिलअप की थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, चौथे नंबर का प्रिंट एडमिट कार्ड का, देख सकते हैं प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है, प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर देना है। चलिए यहाँ पर जैसे प्रिंट करेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का।
इधर आपका जो है सारी डिटेल शो होगी और एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं यहाँ पर शो होगा और एग्जाम डेट और टाइम शो होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको फोटो भी शो होगा दोस्तों देख सकते हैं और बाकी सारी डिटेल शो होगी एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों। अगर आपका दो पेपर है तो दोनों पेपर का एडमिट कार्ड एक ही होगा, एक पेपर है तो भी एक ही होगा, यहाँ पर आपका मेंशन होगा शो होगा देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।